दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल को गेट को एंट्री करने के लिए टिकट का जरूरी है, तो उधर हमें टिकट काटा जिसका प्राइस है 30 रुपीज़, एक ही टिकट का 30 रुपीज़ है, दोनों टिकट काटा तो हम एंट्री करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेस्ट बंगाल की विक्टोरिया मेमोरियल में आपको स्वागत है। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, उनमें से सबसे जो खास टूरिस्ट प्लेस है वो विक्टोरिया मेमोरियल आपके सामने दिख रहा है। विक्टोरिया मेमोरियल रानी विक्टोरिया को समर्पित है और ये 19वीं सेंचुरी में बनी थी। 1901 में रानी विक्टोरिया की मौत हो गई तो इसकी याद में ये बनाया गया। विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के लिए ताजमहल वाला वही मार्बल इस्तेमाल किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है दोस्तों। ये जो दिखा रहे हैं ना विक्टोरिया मेमोरियल, उसको लॉर्ड कर्जन ने रानी विक्टोरिया को याद रखने के लिए 1906 से स्टार्ट किए थे, 1931 को उसका कंप्लीट हुआ है। विक्टोरिया मेमोरियल की पूरा टॉप में है एंजल ऑफ विक्टोरी, ऐसे कहा जाता है कि यह हवा के साथ घूमती है। विक्टोरिया मेमोरियल हावड़ा रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हावड़ा रेलवे स्टेशन से उतर कर आप बस, ऑटो या टैक्सी करके आ सकते हैं। यहाँ पे हर 2 सेकंड में बस मिल जाती है और बस भाड़ा बहुत ही सस्ता भी होती है। 10 या 15 रुपीज़ में आप हावड़ा स्टेशन से आके विक्टोरिया मेमोरियल में पहुँच सकते हैं। दोस्तों, ये है विक्टोरिया मेमोरियल का एंट्री और सामने एंट्री पे ही यहाँ पे एक पत्थर रखा गया है और सामने एंट्री पे थोड़ा देर जाने के बाद यहाँ पर आपको स्टैचू देखने को मिलेगा और यहाँ पर म्यूजियम है, आर्ट गैलरी है, बहुत सारे चीज़ें हैं और इस साइड में बहुत सारे गार्डन है जहाँ पे लोग बैठे हैं, मजा ले रहे हैं। और यहाँ पर जो भी आता है मेन चीज़ है कि वह बहुत सारे फोटोग्राफी करता है। और ये गार्डन है देख लो। दोस्तों, यहाँ पर एक पॉन्ड भी है, खूबसूरत सा पॉन्ड है और चारों तरफ से गार्डन है। और यहाँ पर जो सामने में है वो रानी विक्टोरिया का एक स्टैचू है, यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टैचू है। और दूसरा चीज़ जो है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं पार्क में मस्ती कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं और जो खूबसूरत हवा चल रहा है उसका मज़ा ले रहे हैं। दोस्तों, रानी विक्टोरिया की स्टैचू के बाद यहाँ पर जो अंदर जाने का रास्ता है और अंदर में वहाँ पर गैलरी है, गैलरी में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर है और आर्ट, बहुत सारे जो हिस्ट्री में हुआ है जो चीज़ें वो वहाँ पे आर्ट गैलरी करके उसको फोटोग्राफी करके लगाया गया है वॉल में। और भी बहुत सारे स्टैचू वहाँ पे मिलेगा, मॉन्यूमेंट मिलेगा और 19वीं सेंचुरी में जितने भी सारे युद्ध हुआ था, तोप, बंदूक और बहुत सारे चीज़ें हैं अंदर, आपको हिस्ट्री जानने को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर जाके हम देखेंगे अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं।
विक्टोरिया मेमोरियल में चार जितने भी सारे गैलरी था अभी तो सारे घूम लिए। विक्टोरिया मेमोरियल में सारे चीज़ मैंने अंदर से बाहर तक सारे चीज़ मार्बल से बनी है, बाहर वाला मार्बल से बनी है। और विक्टोरिया मेमोरियल से वो से छः से स्टार्ट हुआ था उसको बनाना और उसका कंप्लीट हुआ 1921 में, मतलब 15 साल टाइम लगा है। मतलब कितना बारी बारीके से किया गया होगा। स्टाइल है वही ताजमहल वाला स्टाइल है, उससे उसका जो ताजमहल में टॉम है व्हाइट कलर का मेसोलियम वैसे उस तरह का वो टॉम है। मेरे सामने में रानी विक्टोरिया है, बीच में साइड में है, तो इस तरह से वो बनी है। बहुत अच्छा लगा, इंडिया का बहुत हिस्टोरिकल मेमोरी इधर रखा हुआ है। हाँ वो आप आएगा तो वो जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ के आपका इतिहास भी याद कर पाएंगे। दोस्तों बहुत मेहनत हो गया आज, थक गए, थोड़ा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। विक्टोरिया मेमोरियल के गेट के पास अब बहुत सारे घोड़ा गाड़ी है, अब घोड़ा गाड़ी का भी आनंद ले सकते हैं।